अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अरसलान असलम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जिसकी मदद से आप किसी भी नंबर की मालूमात हासिल कर सकते हैं। कोई भी रॉन्ग नंबर जो आपको तंग कर रहा है, आपके घर में किसी को तंग कर रहा है और आप चाहते हैं उस नंबर की मालूमात हासिल करना, वो नंबर किसका है, उसका एड्रेस क्या है, उसका NIC नंबर क्या है और उसके NIC नंबर पर और कितने नंबर रजिस्टर है, तो आज की वीडियो देखने के बाद आप ये सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जिस वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो वेबसाइट काफ़ी एरियाज़ में ब्लॉक है, वो आपके एरियाज़ में वर्क नहीं करेगी। पाकिस्तान में तो वेबसाइट ज़्यादातर वर्क ही नहीं करती किसी किसी एरियाज़ में। तो उसके लिए आपको पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है सुपर VPN। आपको जस्ट प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और उस पर आपको सर्च करना है सुपर VPN। तो आपके सामने सुपर VPN ओपन हो जाएगा, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों, जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे सुपर VPN, तो आपको इसको जस्ट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये आपसे कुछ भी परमिशन मांग सकता है, आपको इसको परमिशन दे देनी है और थोड़ी बहुत लोडिंग होगी तो आपको उसके लिए वेट कर लेना है। तो दोस्तों, थोड़ी लोडिंग होने के बाद आपके सामने कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और ऊपर कनेक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आई ट्रस्ट दिस एप्लीकेशन पर आपको चेक लगाकर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद थोड़ी प्रिपेयरिंग होगी और उसके बाद ऊपर आपके सामने ऊपर कनेक्टिंग का ऑप्शन आ जाएगा। जब तक ऊपर की का ऑप्शन नहीं आए तो आप ये ना समझिएगा कि कनेक्ट हो गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रिपेयरिंग हो रही है, इसमें थोड़ी टाइम लगता है, आपको थोड़ा वेट कर लेना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ऊपर VPN कनेक्ट हो चुका है, ऊपर की का ऑप्शन आ रहा है। ऊपर जब तक की का ऑप्शन बना हुआ ना है तो इसका मतलब है आपका VPN कनेक्ट नहीं हुआ। आपको VPN को कनेक्ट करने के बाद, तो दोस्तों जब आपका VPN कनेक्ट हो जाएगा तो आपको VPN को डिसकनेक्ट नहीं करना और उससे बिल्कुल बाहर आ जाना है। ऊपर आपका की का ऑप्शन भले, आपको उसको भी नहीं काटना, आपको बिल्कुल VPN से बाहर आ जाना है और कुछ भी नहीं करना। आपको VPN को डिसकनेक्ट नहीं करना, कनेक्ट होगा VPN तो ही आप किसी भी नंबर की मालूमात हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको न्यू टैब में सर्च कर लेना है, जो मैं आपको इस वेबसाइट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा, वरना आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, pakhsim.ga लिखकर आप टाइप कर आप सर्च भी कर सकते हैं। आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी थोड़ी लोडिंग होने के बाद। दोस्तों, आप देख सकते हैं एक वेबसाइट ओपन हो गई है, लाइफ ट्रैकर ऊपर आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा। आपको ऊपर तीन लाइन पर क्लिक कर देना है। तीन लाइन पर क्लिक करने के बाद आपको इधर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म हो जाएगा, इधर आपको अपना नाम दे देना है, यूज़र नेम दे देना है। दोस्तों, आपको यूज़र नेम ऐसा देना है जो बिल्कुल यूनिक हो, इस वेबसाइट पर किसी का भी ना हो। आपको अपने यूज़र नेम के कुछ भी नंबर्स लगा देने, 1, 2, 3, 4 कुछ भी नंबर्स लगा देने और पासवर्ड दे देना और नीचे अपना नंबर देकर रजिस्टर कर लेना है। दोस्तों, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है तो मैं साइन इन कर लेता हूँ। आपको रजिस्टर करके फिर अकाउंट इस पर साइन इन कर लेना है। तो दोस्तों, मैं इस पर अपना अकाउंट साइन इन कर लेता हूँ। दोस्तों, मेरा अकाउंट इस पर साइन इन हो जाएगा। दोस्तों, ये जो वेबसाइट है तीन मुल्कों के कंट्री के नंबर्स का डेटा आपको देती है, तो आपको अपने कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले पाकिस्तान है आपका कंट्री, आपको पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप किसी भी नंबर का डेटा हासिल करना चाहते हैं तो आपको वो नंबर इधर टाइप कर देना है। जिस भी नंबर का आप इधर डेटा लेना चाहते हैं आपको नंबर इधर टाइप कर देना है। और आपको एक बात मैं बता दूँ, वो नंबर आपको 0 के अलावा टाइप करना है। आपको उस नंबर से पहले 0 नहीं लगाना, आपको नंबर 0 के अलावा टाइप करना है। अगर आप उस नंबर के शुरू में 0 लगा देंगे तो आपके सामने डेटा नहीं आएगा। उसके बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद वो नंबर जिसका भी होगा आपके सामने, आप देख सकते हैं बिल्कुल सही उसका सारा डेटा आ जाएगा। रिकॉर्ड 1 उसका जो नंबर होगा, उसका एड्रेस, एड्रेस 2, सिटी, नंबर, NIC, अदर फोन्स। और दोस्तों, अगर आपने उसके नंबर का तो सारा डेटा हासिल कर लिया, मगर अब आप चाहते हैं कि आप उसके NIC पे और कौन कौन से नंबर रजिस्टर हैं आप वो भी देखना चाहते हैं, तो आपको इधर
सबसे एंड में आपको एक NIC का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको NIC के ऑप्शन को कॉपी कर लेना है, NIC के नंबर को कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद जहाँ पे आपने नंबर सर्च किया था उस नंबर को काट के आपको NIC नंबर को उधर ही पेस्ट कर देना है। तो उस NIC पे जितनी सिमें रजिस्टर होंगी वो सब NIC पर सिमें जितनी भी रजिस्टर होंगी वो सब आपके सामने आ जाएंगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रिकॉर्ड 1 रिकॉर्ड 2 इस नंबर पर सिर्फ 2 सिमें ही रजिस्टर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतना ही बताना था, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।